हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनुज कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ टेक्साज, जहां पे हम आपसे सभी तरीके की फाइनेंशियल, लीगल, सेक्रेटरियल और अपनी फील्ड से जुड़ी हुई काफ़ी सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन सो डोंट मिस आउट ऑन एनी लीगल अपडेट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे फंड्स के बारे में कि हाउ टू रेज फंड्स फॉर योर बिजनेस, फॉर योर स्टार्टअप। एक बिजनेस और एक स्टार्टअप में ना फंड रेज बहुत क्रूशियल पॉइंट होता है कि आप अपने बिजनेस के फंड्स को कहाँ से अरेंज करेंगे, उसे कैसे अपने रिसोर्सेज में लगाएंगे और कैसे अपने स्टार्टअप को ग्रो करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो रहती है वो रहती है फंडिंग की। मतलब क्या होता है, मतलब फंडिंग क्या चीज़ होती है, सिंपल सा इंग्लिश वर्ड है, इसकी डिक्शनरी मीनिंग भी आप देख सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है कि फंडिंग होती है कि आपके पास जो पैसा है, आपने खुद पैसा लिया हुआ है, आपने किसी फ्रेंड्स एंड फैमिली से अरेंज करके लिया हुआ, वो अपने जो बिजनेस में लगा रहे हैं ना उसे कहते हैं कि बिजनेस को फंड करना, बिजनेस में कैपिटल लगाना, किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट करना। जैसे आपने अपने बिजनेस के लिए आपने कोई बिजनेस प्लान सोचा, उसमें आप कोई मशीनरी ला के लगा रहे हैं या फिर कोई इक्विपमेंट लगा रहे हैं या फिर कोई कैपिटल अमाउंट लगा रहे हैं ना, तो उसे बेसिकली कहते हैं बिजनेस में फंड आना, बिजनेस की फंडिंग कहते हैं उसे। तो इस फंडिंग की एक स्टेजेस कुछ रहती हैं, तो अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि फंडिंग की स्टेजेस क्या होती हैं। कुछ स्टेजेस रहती हैं तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले स्टेज जो रहती है उसे हम कहते हैं प्री सीडिंग। इसमें बेसिकली प्री सीडिंग यानी कि सेल्फ फंडिंग स्टेज होती है। इसमें आप खुद के पैसे की, आप एक बिजनेस, ये बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आप खुद को असेस करते हैं कि मेरे पास कितनी इन्वेस्टमेंट है या फिर मेरे पास कितनी कैपिटल है जो मैं अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी अरेंज कर सकता हूँ, या फिर मेरे पास जितनी पड़ी हुई है मैं कितना डाल सकता हूँ खुद का पैसा। तो उसे हम कहते हैं प्री सीडिंग स्टेज, कि आप बिजनेस स्टार्ट होने से पहले खुद को असेस करते हैं कि मैं अपनी कितनी इन्वेस्टमेंट, कितनी कैपिटल से अपना बिजनेस या स्टार्टअप स्टार्ट कर सकता हूं। उसके बाद जो दूसरी स्टेज आती है वो रहती है सीड फंडिंग। सीड फंडिंग में क्या होता है ना कि सीड फंडिंग में आप पहली बार किसी एक्सटर्नल इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं या फिर अपने एक्सटर्नल इन्वेस्टर को अपना प्लान बताते हैं या फिर डिस्कस करते हैं उस बारे में, और आपके खुद के पैसे के अलावा कोई किसी बाहर का पैसा पहली बार आपके बिजनेस में आता है, उसे हम कहते हैं कि सीड फंडिंग। बेसिकली जो सीड होता है ना, जैसे सीड फंडिंग, सीड होता है एक कि सीड डालते हैं फिर मिट्टी में, फिर उसके बाद ग्रो करता है ना, तो ऐसे ही सबसे पहले जो एक्सटर्नल इन्वेस्टर का पैसा जो लगता है ना वो सीड फंडिंग में लगता है। तो इसके बाद जो हमारी स्टेज रहती है उसे हम कहते हैं सीरीज ए फंडिंग। तो सीरीज ए फंडिंग में क्या होता है कि आपने अपना खुद का पैसा लगाया, जैसे आपने प्री सीडिंग स्टेज या सीड फंडिंग स्टेज उसके आगे क्रॉस करा, तो इस समय क्या होता है ना कि आपका जो प्रोडक्ट होता है, आपकी जो सर्विस होती है ना, वो या तो डेवलप हो चुकी होती है पूरी अच्छे से, या प्रोसेस में होती है, या फिर अभी स्टार्ट हुई होती है। तो सीरीज ए फंडिंग वहां पे काम आती है कि आपका प्रोडक्ट अभी डेवलपमेंट स्टेज में है और उसके बाद आप किसी इन्वेस्टर या फिर किसी के लेंडिंग फर्म के पास जाते हैं और वहां से पैसे एक्सटर्नल इन्वेस्टर से मांगते हैं, तो उसे हम कहते हैं सीरीज ए फंडिंग। फिर इसके बाद रहता है हमारा सीरीज बी फंडिंग। सीरीज बी फंडिंग में ना बेसिकली क्या होता है कि इसमें आपका प्रोडक्ट डेवलप हो चुका होता है, आपका प्रोडक्ट पूरा बन चुका होता है, आपके पास आपने एक्सपीरियंस गेन कर लिया होता है बिजनेस में, आपको 3-4 साल 5 साल कुछ हो चुका, टाइम पीरियड स्पैन आपने बिजनेस में कर चुके होते हैं, आपके पास बिजनेस एक्सपीरियंस आता है और आपके पास फंड्स होते हैं कि आप आगे अपना बिजनेस कंटिन्यू कर पाएं। बट सीरीज बी फंडिंग बेसिकली जो की जाती है ना, वो की जाती है एक्सपेंशन के लिए, कि आपको अपने ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज और करनी है। आपके पास आइडियाज तो हैं उतने, बट आपके पास उतने सारे फंड्स नहीं है या उतने ज्यादा फंड्स नहीं है कि आप अपने अपने बिजनेस को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में ले सकें। उतनी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपको दिखती है बट आप वहां तक जा नहीं सकते क्योंकि आपके पास लैक ऑफ फंड्स रहते हैं, तो सीरीज बी फंडिंग वहां पर काम आती है। इसके बाद जो रहती है वो रहती है सीरीज सी फंडिंग। सीरीज सी फंडिंग में बेसिकली क्या होता है कि आप एक डेवलप एक पोजीशन पे पहुंच चुके होते हैं, आप अपने प्रोडक्ट अपने बिजनेस को लेकर एक अच्छी खासी डेवलप एक्सपैंड कर चुके होते हैं। सीरीज सी फंडिंग वहां पे काम आती है अगर आपको कोई आगे डाइवर्सिफिकेशन करना है या फिर कोई और बड़ी कंपनीज या फिर कुछ ऐसा मशीनरी प्लांट्स इंपोर्ट्स करनी है या फिर कोई भी बड़ी चीज़, या आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन की ज़रूरत है, तो आपको वहाँ पर सीरीज सी फंडिंग आती है। सीरीज बी और सीरीज सी में कुछ फ़र्क रहता है। सीरीज बी में क्या रहता है ना कि आपका जो प्रोडक्ट है वो डेवलप हो चुका है, आपने अभी एक्सपेंशन कर लिया, बट उसके आगे ना आपको फर्दर एक्सपेंशन के लिए चाहिए होते हैं।
सीरीज बी की फंडिंग के लिए। सीरीज सी में क्या होता है, आप पूरा डेवलप होते हैं, आपके पास पूरा मार्केट एक्सपीरियंस होता है, आपकी बिजनेस वेल एस्टेब्लिश होती है। उसके बाद अगर हमें एक्सपेंशन का करना होता है किसी फर्म के साथ, तो वहाँ पर सीरीज सी फंडिंग काम आती है। तो और इसी, अगर आपको फंडिंग की स्टेजेस के बारे में और डिटेल में भी पढ़ना है, तो हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको आर्टिकल का लिंक मिल जाएगा। आप उस आर्टिकल के लिंक को ओपन कीजिए और वहां से आप पूरी स्टेजेस ऑफ फंडिंग के बारे में पढ़ सकते हैं। तो स्टेजेस के बाद हम लोग आते हैं सोर्सेस पे, कि कौन कौन से सोर्स हो सकते हैं कि आप अपना बिजनेस में फंड्स रेज कैसे करें। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस या सोर्सेस ऑफ फॉर फंडिंग, तो जो सबसे पहला सोर्स रहता है ना, वो रहता है आप खुद, कि आप सबसे पहले सेल्फ फाइनेंसिंग, सेल्फ फाइनेंसिंग से आप कर सकते हैं, या कोई एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, वेंचर कैपिटल्स होती हैं, आप किसी लोन ले सकते हैं गवर्नमेंट स्कीम में, जैसे कि एक है मुद्रा लोन स्कीम, तो जैसे लोन अंडर गवर्नमेंट स्कीम, मुद्रा लोन स्कीम आप ही कर सकते हैं। तो इंडियन इन्वेस्टर्स के जैसे मैं एग्जांपल दूँ, तो जैसे हो गए विराट कोहली, धोनी, तो ये हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। वेंचर कैपिटल्स में हो गया हमारा, तो जैसे वेंचर कैपिटल के बारे में आपको एग्जाम्पल दूँ, तो एंड ग्लोबल, सॉफ्ट बैंक, तो ऐसे ये कुछ सोर्सेज ऑफ फंडिंग है कि आप यहाँ से अपने फंड्स को रेज कर सकते हैं और अपने बिजनेस को आगे ग्रो करवा सकते हैं या ग्रो कर सकते हैं अपने साथ। तो ये थे सोर्सेज ऑफ फंडिंग जो हमने देखे। कुछ अल्टरनेटिव सोर्सेज जहाँ से आप अपने फंड्स रेज कर सकते हैं, कैसे कैसे तरीकों से, वेज जिससे आप फंड रेज कर सकते हैं, ऐसे कौन से तरीके हैं जहाँ से आप अपने फंड्स रेज कर सकते हैं। सबसे पहली जो चीज़ है वो है क्रिएट अ डिटेल बिजनेस प्लान। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी चीज, बिजनेस हो या फिर कुछ भी आपकी स्टडीज हो या कोई भी ऐसी चीज हो ना, किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले सबसे जो मेन चीज रहती है वो रहती है उसकी प्लानिंग, कि आप वो चीज कैसे करने वाले हैं। तो ऐसे ही कोई भी अगर बंदा, कोई भी इन्वेस्टर अगर आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा ना, तो सबसे पहले ये देखेगा कि आपका बिजनेस प्लान है क्या, आपका स्ट्रक्चर क्या है, आप क्या चीज़ करने वाले हैं, कौन से प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं, आपने उस प्रोडक्ट को कैसे डिज़ाइन करा है और आप उसे कैसे सेल करेंगे, उसकी यूनिकनेस क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस प्लान में, डिटेल बिजनेस प्लान में रहेगी। बिजनेस प्लान बनाते वक्त ना, एक सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है वो रहते हैं आपके फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, कि आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, आपको आपको विद इन नेक्स्ट ईयर, विद इन फाइव ईयर्स आप कितनी सेल्स कर सकते हैं, कितनी सेल्स का टारगेट रखते हैं, आप उसमें से कितना प्रॉफिट परसेंट कमा सकते हैं। तो पूरी फाइनेंशियल प्रोजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है जब आप एक डिटेल बिजनेस प्लान बनाते हैं, उसमें ये चीज़ आपको देखनी पड़ती है कि आपके फाइनेंशियल प्रोजेक्शन क्या है। कोई भी इन्वेस्टर अगर देखेगा ना कि आपने जो बिजनेस प्लान बनाया है तो उसमें क्या, तो सबसे पहले वो चीज़ ये चीज़ देगा कि आपने फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस क्या करिए, कि आप कितना सेल्स टारगेट अचीव करना चाहते हैं, कित कर सकते हैं, आप कितने बता रहे हैं अपने बिजनेस प्लान में। बेसिकली इसमें एक प्रो टिप ये है कि आप कभी भी ओवर कमिट ना करें, ओवर कमिट ना रखें, और जो रियलिटी है ना, रियल एक्सपेक्टेशंस, आप कभी भी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस ना रखें, आप ओवर कमिट ना करें। एक डिटेल बिजनेस प्लान या अपने फाइनेंशियल पोजीशन को, प्रोजेक्शंस को बनाते हुए ना, आप कभी ना बोले कि अगर मैं आज बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो आज से अगले महीने तक मैं अपने 10,000 यूनिट्स या 20,000 यूनिट्स या लाख यूनिट्स सोल्ड कर दूंगा। तो ये सारी चीज़ें ओवर कमिटमेंट की तरह दिखती हैं एक प्रोजेक्शन में, क्योंकि आप अभी अभी बिजनेस स्टार्ट करें, अभी उसकी मार्केटिंग होगी, अभी प्रोडक्ट लोगों के पास पहुंचेगा, अभी वो लोग उस प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, तो इट टेक्स सम टाइम, थोड़ा टाइम लगता है किसी भी चीज़ को, किसी भी पेड़ को उगने में या फिर किसी बिजनेस को डेवलप बनने में। तो इसे हम कहते हैं ओवर कमिटमेंट या फिर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। तो ये चीज़ें ना रखें अपने डिटेल बिजनेस प्लान को बनाते हुए।
तो डिटेल बिजनेस प्लान के बाद ना आप जो और चीजें देख सकते हैं अपने बिजनेस फंड्स के लिए, विजिट अ लोकल बैंक। आप किसी लोकल बैंक में जाइए, आप वहां पे पता कीजिए कि आपका बिजनेस है, ये आपका स्टार्टअप है, तो आपको लोन मिल सकता है नहीं मिल सकता, कितना अमाउंट का लोन मिल सकता है, किस इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा, उसका रीपेमेंट शेड्यूल कैसा रहेगा। तो आपको ये चीजें देखनी पड़ेगी, आपको एक जगह से नहीं, आपको कई जगहों पे जाना पड़ेगा, आपको कई बैंक्स विजिट करने पड़ेंगे या कई फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स विजिट करने पड़ेंगे। बेसिकली जो अभी हम देख रहे हैं ना, वो लोकल बैंक देख रहे हैं कि आप लोन जाइए, आप लोन का पता कीजिए कि आपको किस अमाउंट पे, किस इंटरेस्ट पे, किस रेट पे मिल रहा है वो लोन। और ऐसे ही आप दो तीन बैंक, कुछ बैंक्स पता कीजिए और आपको जो सूटेबल लगे ना, आपको जो मोस्ट सूटेबल लगे अपने बिजनेस के लिए कि हाँ ये शेड्यूल या फिर ये रिपेमेंट शेड्यूल, ये लोन इंटरेस्ट रेट, ये मेरे लिए परफेक्ट है या फिर मेरे लिए सूट करता है, तो आप उसे ऑप्ट करके वहां से भी अपने सोर्स फाइनेंस, अपने फंड्स को फाइनेंस कर सकते हैं। और इसके अलावा जो ऑल्टरनेटिव वेज में तीसरा तरीका आता है, वो रहता है हमारा सबसे बेस्ट, फ्रेंड्स एंड फैमिली। फ्रेंड्स एंड फैमिली आपके बहुत क्लोज होते हैं, आपके क्लोज वंस होते हैं। अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हैं, आप कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं या फिर आपका उसमें है मन या आप करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स एंड फैमिली हमेशा सपोर्ट करते हैं। तो यू कैन आस्क देम फॉर सपोर्ट, आप सीधा उनके पास जाके उनसे किसी भी तरीके से आप बेसिकली मैंने जो कुछ टाइम पहले सोचा था, मैं वो बताता हूँ कि जैसे अगर मेरा कोई स्टार्टअप है, मैं उसे फंड करना चाहता हूँ, मैं भी काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ, तो मेरे को बड़ा इशू आ रहा, तो मैंने भी सोचा कि अपने फ्रेंड्स या फिर फैमिली से सपोर्ट लेते हैं या फिर किसी तरीके से सपोर्ट लेते हैं। तो आप जो मैंने करा था, मैं एक पेमेंट पेज बनाया था, रेजर पे से बनाया था बेसिकली मैंने, तो पेमेंट पेज बनाया, उसमें लिख दिया अपने सारे डिस्क्रिप्शन लिख दिया कि फॉर दिस स्टार्टअप या फिर जो भी डिस्क्रिप्शन था, जो भी सेल करने वाला, तो उसमें सपोर्ट का था और उसमें अमाउंट था कि आप वैसे पे कर सकते हैं और वहाँ से सपोर्ट ले सकते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी। उसमें ये भी था कि हाँ इन फ्यूचर यू विल बी बेनिफिशिएटेड या फिर आपको बेनिफिट मिलेगा किसी और तरीके से। उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि आपको फ्रेंड्स और फैमिली को पैसे वापस किसी इंटरेस्ट के साथ या फिर किसी कैपिटल के साथ नहीं देने पड़ते, या फिर कुछ फ्रेंड्स एंड फैमिली, तो फैमिली से तो आप पैसे सीधा ले भी सकते हैं। तो ये सारी ये चीज़ें भी आप ट्राई कर सकते हैं अपने बिजनेस को या अपने स्टार्टअप को फंड करने के लिए। तो इसके अलावा जो और तरीके रहते हैं, वो रहते हैं हमारे जैसे वेंचर कैपिटलिस्ट, जो कि हमने अभी कुछ टाइम पहले भी डिस्कस किया था, सॉफ्ट बैंक एंड ग्लोबल, तो ये कुछ फेमस हैं जो नोन वेंचर कैपिटलिस्ट हैं वो हैं। तो बेसिकली क्या करते हैं ना, कि आपने कोई बिजनेस प्लान डेवलप करा, आप कोई स्टार्टअप करा, तो उसमें ये लोग क्या करते हैं, ये लोग इन्वेस्ट करते हैं, बट इन एक्सचेंज ये सब इक्विटी ले लेते हैं कि आपकी कंपनी में ओनरशिप, इक्विटी मतलब ओनरशिप ले लेते हैं आपकी कंपनी में, कि फॉर से कि 40% इक्विटी ले ली इन्होंने और उसके बदले आपको कुछ अमाउंट इन्होंने फंड कर दिया आपके बिजनेस में, तो इन फ्यूचर आपकी जो बिजनेस है ना, उसके 40% ओनरशिप उनके पास रहेगी। तो इसे हम कहते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट के थ्रू आपका फंड रेज करना। और इसके बाद जो एक लास्ट है, वो है एंजल इन्वेस्टर, जो कि हमने इससे पहले भी पढ़ा था, एंजल इन्वेस्टर विराट कोहली, धोनी। बेसिकली एंजल इन्वेस्टर से मतलब ये नहीं है कि विराट कोहली है या धोनी है, एंजल मतलब जैसे कि वर्ड में भी है, एंजल आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए एंजल हो सकते हैं, वो वरदान हो सकते हैं या फिर ठीक है। तो कोई ऐसे इन्वेस्टर जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, तो बेसिकली ऐसे नहीं कि ये सिर्फ इन्वेस्ट कर देंगे, ये आपके पैसे नहीं लेंगे या इन एक्सचेंज इक्विटी नहीं लेंगे, ये भी लेंगे, ये भी कुछ अपने बेनिफिट के लिए करेंगे, कुछ इक्विटी लेंगे या फिर कुछ डेट के थ्रू फाइनेंस करेंगे। तो एंजल इन्वेस्टर्स ऐसे फाइनेंस करते हैं आपके बिजनेस को। तो जैसे कि एंजल इन्वेस्टर्स का एग्जांपल दें, तो जैसे कि कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट, इन्होंने नायका में जैसे करा था, वैसे ही हम उसे एंजल इन्वेस्टर्स कहते हैं। और इसके बाद जो हमारी एक चीज़ रहती है, वो रहती है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग में क्या होता है ना, बेसिकली जैसे अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले आपको एग्जांपल दिया था ना, कि मैं एक रेजर पे का पेमेंट पेज बना के उसमें डोनेशन अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से डोनेशंस ले रहा हूँ, एक्सेप्ट कर रहा हूँ। तो क्राउड फंडिंग में क्या रहता है ना, बेसिकली आप लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स, आपके बिजनेस में आप लार्ज नंबर ऑफ पीपल से फंड्स लेते हैं, रिस्पेक्टिवली थोड़ा स्मॉल अमाउंट होता है, इन्वेस्टर की तरह नहीं होता कि हाँ सीधा सीधा पूरा फंड या फिर पूरी इक्विटी के बदले उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। क्राउड फंडिंग में रहता है रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट रहता है, बट लार्ज नंबर ऑफ पीपल से रहता है, आप उनसे फंड रेज करते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्राउड फंडिंग। तो ऐसे कुछ तरीके हैं ये सारे, जहाँ से आप अपने बिजनेस को फाइनेंस करवा सकते हैं या बिजनेस में फंड्स को सोर्स कर सकते हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हमने अभी डिस्कस करी।
तो अभी तक ये जो सारी चीज़ें थी वो हमने पढ़ी कि फाइनेंस कैसे कर, मतलब आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करा है तो उसमें फंडिंग कैसे कर सकते हैं, क्या सोर्सेस रहते हैं उस फंड के। तो अब हम एक पढ़ने वाले हैं स्टार्टअप इंडिया के बारे में, थोड़ा सा स्टार्टअप इंडिया की साइट भी है, आप साइट विजिट कर सकते हैं। बेसिकली क्या होता है ना स्टार्टअप इंडिया में, आपने कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट करी, आपने कोई LLP इनकॉर्पोरेट करी अपने स्टार्टअप के लिए, तो आप स्टार्टअप इंडिया पर जाइए, वहाँ पर रजिस्टर कीजिए। तो वहाँ पर जो डिटेल्स वगैरह कुछ मांगते हैं वो मांगते हैं आपकी एंटिटी की डिटेल्स मांगेंगे, आपका एड्रेस प्रूफ मांगेंगे, आपका एड्रेस पूरी डिटेल्स मांगेंगे उसमें, आपके डायरेक्टर्स या ऑथराइज जो सिग्नेटरीज जो हैं उनकी डिटेल्स जाएंगी, और एक्टिविटीज़ पूछेंगे वो आपसे। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें पूछेंगे और एक्टिविटीज़ को थोड़ा डिटेल में पूछेंगे। इसमें ना वो लोग चार चीज़ें पूछते हैं स्पेशली जो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है कि व्हाट प्रॉब्लम योर बिजनेस या और योर स्टार्टअप इज सॉल्विंग। पहला क्वेश्चन तो वो ये पूछते हैं कि आप कौन सी प्रॉब्लम जो आप स्टार्टअप कर रहे हैं, तो आप सोसाइटी में या फिर कौन सी ऐसा इशू है, कौन सा प्रॉब्लम है जो आपका स्टार्टअप उस चीज़ को सॉल्व कर रहा है। जो क्वेश्चन नंबर टू रहता है वो ये चीज़ रहती है कि हाउ, जो ये प्रॉब्लम है ना, जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो आप कैसे सॉल्व करने वाले हैं, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करने वाले हैं। और क्वेश्चन नंबर जो थ्री रहता है ना वो ये रहता है कि उसमें यूनिकनेस क्या है, कि स्टार्टअप में भी तो बहुत लोग सॉल्व कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम, लेकिन आपका यूनिक वे क्या है कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे यूनिकली कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो यूनिकनेस पूछते हैं यहाँ पे कि क्या यूनिकनेस है आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग में। और फिर पूछते हैं लास्ट क्वेश्चन, वो रहता है कि जनरेट रेवेन्यू, हाउ डज योर स्टार्टअप, आपका जो स्टार्टअप है वो रेवेन्यू कैसे जनरेट कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं स्टार्टअप इंडिया में, जो आप एंटिटी डिटेल्स मांगे या एड्रेस डिटेल मांगे या डायरेक्टर सिग्नेटरीज, एक्टिविटीज़ पूछेगा कि कौन सी प्रॉब्लम आपका स्टार्टअप सॉल्व कर रहा है, कैसे सॉल्व कर रहा है, उसमें सॉल्यूशन जो आपने निकाला है सॉल्व करने का उसमें क्या यूनिक है, आपका स्टार्टअप जनरेट कैसे कर रहा है रेवेन्यू। तो ये वेबसाइट है, आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं और यहाँ पर आपको दोनों बंदे मिलेंगे, या अगर आप एज एन इन्वेस्टर जाना चाहते हैं तो आप इन्वेस्टर जाएंगे, आपको वहाँ पर सारे स्टार्टअप्स की लिस्ट मिल जाएगी, आपको जो स्टार्टअप अच्छे लगे या आपको लगे इसमें पोटेंशियल है तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और सारे स्टार्टअप्स भी जा सकते हैं कि हमें फंड्स की ज़रूरत है तो हम इन्वेस्टर्स के पास जाके, एक प्लेटफॉर्म है बेसिकली दोनों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए भी और स्टार्टअप्स के लिए भी, जहाँ पर वो मिल सकते हैं और अपने प्रॉब्लम्स या फिर अपने जो इन्वेस्ट करना है उन्हें इन्वेस्टर्स को और जो स्टार्टअप्स को फंड्स वो वहाँ पर सफिशियंट हो जाता है उनके लिए। तो ये रहता है स्टार्टअप इंडिया के बारे में। तो अभी तक जो हमने जाना वो था कि फंड को कैसे रेज करें, क्या क्या चीज़ें रहते हैं फंडिंग से रिलेटेड। तो ये जो वीक है ना ये हमारा पूरा रहता है फंड से रिलेटेड, आपके बिजनेस के फंडिंग वीक कहेंगे हम इसे। तो इस मंडे जो हमारी वीडियो आने वाली है वो आने वाली है प्रीसीडिंग पे, उसके बाद ट्यूसडे को जो वीडियो आएगी वो सीड फंडिंग पे आएगी, वेडनेसडे को सीरीज ए फंडिंग पे आएगी, थर्सडे को सीरीज बी फंडिंग पे, फ्राइडे को सीरीज सी फंडिंग पे, सैटरडे को जो आएगी वो हमारी बूटस्ट्रैपिंग पे, और जो नेक्स्ट मंडे हमारी रिपोर्ट आएगी ना वो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट की, जो कि बहुत क्रूशियल चीज़ है, जो कि बहुत क्रूशियल वीडियो रहने वाली है, जिसमें हम लोग सारे टर्म्स के बारे में जानेंगे, क्या क्या टर्म्स रहती हैं आपके बिजनेस के, फाइनेंशियल्स कैसे रहते हैं, पूरे प्रोजेक्ट रिपोर्ट पूरी उसमें रहेगी। तो बहुत क्रूशियल वीडियो रहेगी, रहने वाली है वो। ये पूरा ही वीक फंडिंग को डेडिकेटेड है, तो आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए और नॉलेज गेन करते रहिए। थैंक यू सो मच, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।